डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ज्वाइंटस, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ज्वाइंटस, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ज्वाइंटस। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज ज्वाइंटस। बिफोर कि हम ज्वाइंटस को डिस्कस करने जाएं, ये टर्म्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि हमें पता हो कि व्हाट इज ज्वाइंटस। ज्वाइंटस प्लस सेकंड नंबर टर्म की जब हम बात करें, एक टेरस प्लस हाइपरबिलिरुबिनेमिया प्लस नंबर थर्ड फोर्थ टर्म्स विच शुड बी वेरी क्लियर इज कॉल्ड होलीस्टेसिस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ज्वाइंटस को। व्हाट इज ज्वाइंटस? ज्वाइंटस ऑलरेडी वी नो दैट ये ज्वाइंटस हम कहते हैं द येलो डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड। ज्वाइंटस को हम क्या कहते हैं? येलो डिस्कलरेशन ऑफ व्हाट? ये याद रखना है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन प्लस स्क्लेरा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड ज्वाइंटस। तो ज्वाइंटस इज द येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इट इज ऑलवेज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। जब भी बिलिरुबिन की मकदार इंक्रीज हो जाती है, इतने लेवल तक वो बढ़ जाए कि वो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कलर को चेंज करे, यानी येलो में कन्वर्ट करे, हम उसको नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड ज्वाइंटस। नॉर्मली बिलिरुबिन की मकदार 0.1, नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें 0.1 to 0.2 नैनोग्राम पर डीएल, नॉर्मल वैल्यू इसकी इतनी होती है। सम टाइम अगर हम बात करें कि अगर इसके लेवल लेट सपोज स्लाइटली इतना इंक्रीज हो जाए अप टू 2, कि 0.2 हो, इससे इंक्रीज हो जाए, लेट सपोज के अगर ये आ जाए 0.4, तो इट्स मीन के बिलिरुबिन की मकदार इंक्रीज है। अब अगर ये इतना इंक्रीज नहीं है, कम अमाउंट में इंक्रीज हुआ है और येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, क्लियर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं हुआ है, तो हम इसको, इस इंक्रीज अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन को नाम देते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया। हाइपर बिलिरुबिनीमिया मीन्स इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ बिलिरुबिन बट नॉट इनफ येट टू कॉज डिसकलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस, क्लेरा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर ये स्मॉल अमाउंट में बढ़ जाए, स्लाइटली एलिवेटेड बिलिरुबिन होते हैं, तो हम उसके लिए टर्म्स यूज करते हैं हाइपर बिलिरुबिनस। अब एवरी हाइपर बिलिरुबिनीमिया इज नॉट अ ज्वाइंटस, बट इन एवरी ज्वाइंटस देयर शुड बी हाइपर बिलिरुबिनीमिया, मीन्स के ज्वाइंटस के अंडरलाइन कॉज इंक्रीज अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन। नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास है एक्टेरस। एक्टेरस हम कहते हैं द येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा ओनली। अब अगर येलो डिस्कलरेशन हो और ये स्क्लेरा के अंदर हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड एस एक्टेरस। एक्टेरस मीन द येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा ड्यू टू हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन, यानी बिलिरुबिन की मकदार जब इंक्रीज हो जाए और सिर्फ ओनली स्क्लेरा के कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्टेरस। सम टाइम क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट अब बिलिरुबिन जब ब्लड के अंदर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ये इनफ होता है टू चेंज द कलर ऑफ स्क्लेरा। व्हाई द स्मॉल अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन चेंज द कलर ऑफ स्क्लेरा? ड्यू टू इज वाइटिश कलर, क्योंकि ये कलर में वाइट होते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर ऐसे प्रोटीन होते हैं विच लव टू बाइंडिंग विद बिलिरुबिन मॉलिक्यूल्स, तो इजीली स्क्लेरा का कलर चेंज हो जाते हैं, बाकी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कलर चेंज नहीं होते। तो फिर हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्टेरस।
हाइपर बिलिरुबिनिमिया इंक्रीज अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन। और कोलिस्टेसिस का मतलब होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल आउटफ्लो, यानी बाइल डक्ट के अंदर अगर कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं कि दिस इज कॉल्ड कोलिस्टेसिस। अब बाइल के नॉर्मल कंपोनेंट्स हमें पता होने चाहिए। बाइल के अगर हम नया नॉर्मल कंपोनेंट्स की बात करें तो वो हमें पता होने चाहिए कि बाइल के मेन तीन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट कोलेस्टेरोल प्लस बिलिरुबिन प्लस बाइल साल्ट और एसिड। यानी कोलेस्टेसिस के दौरान अगर बाइल डक्ट के फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर खराबी आ जाती है बिलियरी ट्रैक, तो ब्लड के अंदर कौन से तीन चीज़ें एक्युमुलेट होंगी? बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल प्लस बाइल साल्ट और एसिड। अब आगे बात करते हैं इस जॉइंट्स की पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बिलिरुबिन आता कहाँ से है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हम बात करेंगे बाइल की प्रोडक्शन की, ठीक है, कि बाइल की प्रोडक्शन कैसी होती है और इसके नॉर्मल एलिमिनेशन बॉडी से एक्सक्रीशन ऐसे कैसे होती है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस बिलिरुबिन की क्वांटिटी ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है ये मॉलिक्यूल और ब्लड के अंदर इसकी मिकदार इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जॉइंट्स को डिस्कस किया, मींस के द येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसके बाद हमने बात की हाइपर बिलिरुबिनीमिया हम किसको कहते हैं? द इंक्रीज अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड, नॉर्मली 0.2 तक इसके नॉर्मल रेंज होते हैं। अगर स्लाइटली इंक्रीज हो जाए और येट बॉडी के स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर चेंज नहीं हुआ हो तो हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। देन हमने डिस्कस किया एक्टेरस, तो एक्टेरस हम कहते हैं कि ओनली स्क्लेरा का कलर अगर चेंज हो जाए ड्यू टू हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन तो उसको एक्टेरस। कोलेस्टेसिस के अंदर क्या होता है कि लेट सपोज दिस इज अ लीवर या बिलियरी ट्रैक सिस्टम, कि नॉर्मली हेपेटिक इंट्राहेपेटिक क्लियरी कोली जो सेल्स होते हैं जो डक्ट होते हैं वहाँ से ये आते हैं, फिर राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट तो बन जाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, फिर यहाँ पे गाल ब्लेडर, यहाँ से सिस्टिक डक्ट निकलना होता है तो इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये वाला कॉमन हेपेटिक डक्ट, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट। और फिर जब पेनक्रियास के डक्ट के साथ ये मिल जाते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं कि दिस इज हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इंटर होता है द पार्ट्स ऑफ ड्यूडिनम तो उसको हम कहते हैं कि एम्पुला ऑफ वेटर, वहाँ पे इसकी जो इसका बाइल होता है उसकी यहाँ पे एंट्री हो जाती है और यहाँ पे वो बाइल डक्ट बाइल क्या हो जाते हैं एम्प्टी हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं बिलिरुबिन की, कि बिलिरुबिन की जो जो मॉलिक्यूल्स है बिलिरुबिन ये आता कहाँ से है, तो हम बात कर रहे होते हैं रेड ब्लड सेल की। किसकी बात कर रहे होते हैं? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर जब इसके लाइफ स्पेन नॉर्मली हमें पता है कितने 120 डेज। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं क्योंकि दिस इज ए न्यूक्लिएटेड सेल, तो इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती जब एक फुल्ली मैच्योर रेड ब्लड सेल की या एरेथ्रोसाइट की जब हम बात करते हैं, तो 120 डेज के बाद इसके जो सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्रेजिलिटी के शिकार होते हैं, इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो ये जब स्प्लीन में से गुजरते हैं तो स्प्लीन के जो लोकल रेजिडेंट मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब सेंस करते हैं कि इस सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आ गई, ये सेल अब मजीद सर्वाइव नहीं कर सकती, तो वो पिगोसाइट सेल या मैक्रोफेजेस सेल्स क्या करती हैं, इसको पिगोसाइटोस करती है। लेट सपोज दिस इज मैक्रोफेजेस एंड इनसाइड वर्ड्स रेड ब्लड सेल, इनसाइड इसके क्या है रेड ब्लड सेल। अच्छा, जब रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होती है तो इसके कंपोनेंट्स तीन मेन कंपोनेंट्स होते इसमें ये डिवाइड होते हैं, ठीक है, उस तीन कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा प्रोटीन और पेटीसिड से बना होता है, तो ये जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो इसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, प्री पेटीसिड प्लस जो प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड में। अगर हम इस रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें स्पेक्ट्रेन प्रोटीन
इस टाइप्स के प्रोटीन मल्टीपल प्रेजेंट होते हैं, या जो इसका साइटोस्केलेटन होते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है, वो भी कन्वर्ट होते हैं किसमें, अमाइनो एसिड में। तो ये अमाइनो एसिड और प्रीपेटे एसिड इसको मैक्रोपेजेस अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रही होती है, यानी इसको मैक्रोपेजेस यूटिलाइज कर रही होती है। रिमेनिंग पार्ट रह गया हीमोग्लोबिन। लेट सपोज दिस इज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, और इसके अंदर क्या होता है, आयरन प्लस ग्लोबिन, क्लियर। अब मैक्रोपेजेस के पास एक एंजाइम होता है, वो इस चेन की ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसको आयरन में सेपरेट करते हैं और ग्लोबिन इसके अंदर होते हैं, तो उस ग्लोबिन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, प्लस जो हीम वाला पार्ट्स होते हैं उसके अंदर आयरन प्लस बिलिरुबिन, उससे बिलिरुबिन बन रहा होता है। तो लेट सपोज कि इसकी जब ब्रेक डाउन होती है, सी जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो इससे ग्लोबिन प्रोटीन सेपरेट हो जाते हैं, ग्लोबिन ठीक है वो सेपरेट हो जाते हैं, वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको मैक्रोपेजेस रीयूज कर रही होती। रिमेनिंग टू पार्ट्स जो रह गए, रिमेनिंग टू पार्ट्स इस चेन के, लेट सपोज के ये ब्लैक दिस इज अग्लोबिन चेन, ये ग्लोबिन प्रोटीन था, इसको सेपरेट कर दिया ठीक। अब ग्लोबिन प्रोटीन लेट सपोज इस वाले एरिया के अंदर आया, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया और इसको मैक्रोपेजेस रीयूज करेंगे। ये वाला जो चेन रह गया दिस इज कंसिस्ट ऑफ आयरन प्लस हीम। अब जो रेड वाला है इसको हम लेंगे कि दिस इज आयरन मॉलिक्यूल, तो आयरन मॉलिक्यूल्स इसमें से अलग हो जाते हैं, आयरन सेपरेट हो जाते हैं। जब आयरन इसमें से सेपरेट हो जाते हैं आयरन के मॉलिक्यूल्स, लेट सपोज दिस इज आयरन मॉलिक्यूल्स विच इज सेपरेटेड बाय हीमोग्लोबिन चेन, उससे ये सेपरेट हो गए, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज आयरन। अब अगर आयरन की क्वांटिटी ब्लड के अंदर इंक्रीज होती है, तो आयरन इज अ वेरी टॉक्सिक, अगर ये हाई अमाउंट में हो रहे तो ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होते है जो इसको कैरी कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं एपोप्रोटीन, एपोप्रोटीन। एपोप्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं विच ट्रांसपोर्ट द आयरन। अब जब एपोप्रोटीन लेट सपोज दिस इज एपोप्रोटीन, दिस इज अनदर एपोप्रोटीन मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर एंड दिस वन इज अनदर एपोप्रोटीन मॉलिक्यूल। अब जब एपोप्रोटीन आयरन के साथ मिल जाता है तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड पेरिटिन, दिस मॉलिक्यूल इज नाउ कॉल्ड पेरिटिन, क्योंकि अब एपोप्रोटीन आयरन के साथ मिला हुआ है। अब हमारे पास मल्टीपल ऐसे आयरन प्लस एपोप्रोटीन के कंपाउंड होते हैं, यानी कि पेरिटिन कंपाउंड होते हैं हमारे पास। जब मल्टीपल पेरिटिन के मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, ठीक, मल्टीपल पेरिटिन के मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम नाम देते हैं हेमोसिड्रिन मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, हेमोसिड्रिन मॉलिक्यूल, ये हेमोसिड्रिन मॉलिक्यूल। देखो सबसे इजी है, आयरन जब सेपरेट हो गया हीमोग्लोबिन से, सही, तो एपोप्रोटीन ने उसके साथ लिंक किया, उसके साथ बॉन्ड हो गया, हम उस कॉम्प्लेक्स को नाम देते हैं कि दिस इज पेरिटिन। मल्टीपल पेरिटिन जब आपस में से क्लस्टर बनाते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स को फिर हम पेरिटिन नहीं, फिर हम उसको हेमोसिड्रिन कहते हैं। और जब सम टाइम पेरिटिन स्मॉल अमाउंट ऑफ बॉडी के अंदर हमारे हेमोसिड्रिन आयरन हेमोसिड्रिन मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर होता है, अगर इसकी मकदार इंक्रीज हो जाए इस पेरिटिन कंपाउंड की यानी हेमोसिड्रिन मॉलिक्यूल्स की, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हीमोसिड्रोसिस, मीन हीमोसिड्रोसिस इंक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोसिड्रिन मॉलिक्यूल, क्लियर। वाइल अगर ये इतना इनअप हो जाए, हीमोसिड्रिन मॉलिक्यूल इतना इंक्रीज हो जाए कि ये हमारे बॉडी के टिश्यू को डैमेज करे, लेट्स सपोज लंग्स, लीवर और जॉइंट्स को, तो फिर हम इसको नाम देते हैं हीमोक्रोमोसाइटोसिस, हीमोक्रोमोसाइटोसिस इज व्हाट, the increased amount of hemosiderin molecules which is enough to damage the body tissue is called hemochromocytosis. While agar hemosiderin ke molecule itna increase hai ke body ke tissue damage nahi ho raha hai, to hum usko hemosiderosis kehte hain.
अब आ जाए वापस बिलीरुबिन, ठीक है, जो हीम का दूसरा पार्ट से वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनिशियली बिलीवर्डिन में, और बिलीवर्डिन देन कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, बिली रोबिन, क्लियर। अब यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स है जिससे आयरन इस पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और बिलीरुबिन उसमें कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे एक एंजाइम होते हैं, इसको हम कहते हैं हीमोऑक्सीजिनेज, हीमोऑक्सीजिनेज वो एंजाइम होते हैं जो हीमोग्लोबिन के चेन को कन्वर्ट करते हैं आयरन प्लस बिलीरुबिन में, और यहाँ पे जो बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बना रहा होता है कन्वर्ट करते हैं, इस एंजाइम का नाम होता है, सपोज दिस इज एन एंजाइम, क्लियर, जिसका काम क्या था, बिलीवर्डिन को कन्वर्ट करना बिलीरुबिन में, इस एंजाइम को हम नाम देते हैं बिलीरुबिन रिडक्टेस, बिलीरुबिन रिडक्टेस। उसके बाद नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि बिलीरुबिन स्टूल में निकलते हैं या यूरिन में, तो यूरोग्लोबुलिन या बिलीरुबिन स्टूल में निकलते हैं तो स्टूल का कलर चेंज हो जाता है। हम जब ग्लैंडिस की बात करते हैं, लेट्स सपोज कि अगर इस डक्ट में नॉर्मली ये यहाँ पे बन रहा होता है, इस डायग्राम को आप देखें कि ये हेपेटिक सेल्स है, अब हेपेटिक सेल जब ये बाइल बना रहे होते हैं, अगर इस वाले पॉइंट पे ऑब्स्ट्रक्शन है, लेट्स सपोज कॉमन बाइल डक्ट के इस पॉइंट पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये बाइल कहाँ जाएगा, इट्स गोज अप टू इन सर्कुलेशन, ये बाइल कहाँ आ जाएंगे, ये सर्कुलेशन में आ जाएंगे। जब ये सर्कुलेशन में आएंगे, लेट्स सपोज दिस इज बाइल मॉलिक्यूल, सही, सपोज दिस इज बाइल मॉलिक्यूल, जब ये सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो क्या होता है कि लीवर के सेल्स की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज के अगर ये हेपेटोसाइट्स हो हमारे पास, सही है, तो इसका जो ये वाला पार्ट्स होता है, इस वाले सेल मेम्ब्रेन, इस वाले सेल मेम्ब्रेन के मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक या फंक्शन अलग होते हैं, वाइल जो आउटसाइडर होते हैं जो ब्लड वेसल्स की तरफ होते हैं, लेट्स सपोज के ये अगर ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो हेपेटोसाइट के जो ब्लड वेसल वाला सेल मेम्ब्रेन है उसके फंक्शन अलग होते हैं, हेपेटोसाइट्स के वो वाले सेल्स या सेल मेम्ब्रेन जो कि ब्लड वेसल्स की तरफ होते हैं वो एक प्रोटीन रिलीज कर रहे होते हैं, और उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि वो प्रोटीन फौरन से जैसे बिलीरुबिन सर्कुलेशन में आ जाती है, वो प्लाज्मा प्रोटीन जिसको हम बिलीरुबिन कहते हैं, बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, वो इसके साथ बाइंड हो जाते हैं। जब वो इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, क्यों बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि अब ये लीक आउट नहीं हो सकता, बिलीरुबिन स्मॉल मॉलिक्यूल से ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लीक आउट हो सकता है, क्योंकि ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए लीवर एक एंजाइम एक प्रोटीन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन, जब उसके साथ बाइंड हो जाता है देन द बिलीरुबिन मॉलिक्यूल इज अनएबल टू लीक फ्रॉम द वास्कुलर कंपार्टमेंट इनटू इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। आप ऐसे बिलीरुबिन की मकदार जब इंक्रीज हो रही होती है तो उतनी ज़्यादा बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन आती है और उसके साथ बाइंड हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इससे फर्दर के जब भी ये बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन इसके साथ बाइंड हो जाते हैं और कुछ बिलीरुबिन मॉलिक्यूल के साथ ये बाइंड नहीं होते, तो किस तरह ये हमारे टिश्यू के कलर को चेंज कर रहा होता है, यानी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और प्लस स्क्लेरा की। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ज्वाइंडस, एक्टेरस्टम, हाइपर बिलीरुबिनीमिया प्लस हमने कोलिस्टेसिस की बात की, इस तरह रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन कैसे होती है उसको हमने डिस्कस कर दिया, और जो बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है ड्यू टू एनी रीजन विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन यानी हाइपर बिलीरुबिनीमिया और अल्टीमेटली देन कॉज ज्वाइंडस, तो इससे फर्दर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।